नमस्कार, मी राकेश गिरे आपलं स्वागत करतो स्टार अपेक्स न्यूज मध्ये। बघूया आजच्या काही ठळक बातम्या। आमचे प्रतिनिधी दिलीप गजबिये खापरखेडा यांनी दिलेल्या बातमीनुसार खापरखेडा परिसरातील नवीन भानेगाव येथील असणाऱ्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचे विद्यार्थी चपराशीचे काम करीत असल्याचे प्रकार दिसून येत आहे। गणराज्य दिन साजरा करण्यासाठी शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या हाताने स्वच्छता करून घेतात। शिक्षक मात्र विद्यार्थ्यांना हुकूम देत बघायची भूमिका बजावतात। विद्यार्थ्यांचे पालक काय शाळेत शिकण्यासाठी पाठवतात की काम करण्यासाठी, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून संबंधित प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे। आमचे प्रतिनिधी गजेंद्र डोंगरे बाजारगाव यांनी दिलेल्या बातमीनुसार नागपूर जिल्ह्याचे शिवा येथील शिव स्पोर्ट क्लब व इकॉनॉमी एक्सॅविक्झिट कंपनीचे संयुक्त विद्यमानाने आयोजित कबड्डी सामन्यामध्ये प्रथम बक्षीस जयलक्ष्मी क्रीडा मंडळ कानुरीबारा 31001, द्वितीय बक्षीस जय शक्ती क्रीडा मंडळ हेटीकुंडी 21001, तृतीय बक्षीस शिव स्पोर्ट क्लब शिवा 11001 बाजी मारली या इकॉनॉमी एक्सप्लोजिव कंपनीच्या वतीने प्रथम 31000, द्वितीय 21000 व तृतीय 11000 रुपयाचे रोख पारितोषिक देण्यात आले। ही रोख पारितोषिक कंपनीचे चेअरमन सत्यनारायण नुवाल यांच्या वतीने संचालक ए के जैन, व्यवस्थापक सोमेश्वर मुंदडा, एस व्ही जयस्वाल, पी एन स्नेहा पारितोषिके वाटण्यात आले। या वितरित करण्यात आलेल्या पारितोषिकामध्ये या प्रसंगी गावाचे क्रीडाप्रेमी व जनप्रतिनिधी मोठ्या संख्येत हजर होते। तसेच आमचे सावनेरचे प्रतिनिधी विजयकुमार वाघमारे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सावनेरात शेतकरी जागर यात्रेचे भव्य स्वागत। नमस्कार, मैं विनय कुमार वाघमारे स्टार अप न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ है महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्रीय संयोजक देवेश जी मिश्रा। इन्होंने शेतकरी जागर यात्रा निकाली है, आइए इनके मत जानते हैं, इनका उद्देश्य क्या है। आपने तो ये शेतकरी जागर यात्रा निकाली है, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में जो आज हम देख रहे हैं, जो आज जो चीन हमारे पीछे का पीछे पड़ा हुआ है और युद्ध में सब चीज गायज होती है, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम आगे को सोचते हुए कार्य करना चाहते हैं। तो हमने ऐसा सोच रहे हम लोग कि भाई विष मुक्त खेती, नशा मुक्त मानव, समृद्ध ग्राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमें डर इस बात का है कि आज चाइना ने पूरे विश्व में और पूरे भारत में अपना जाल फैला चुका है, पूरे मार्केट में उसका कब्जा है, पूरा सामान उसने उतार चुका है और जिस तरीके से भारत को वो आग दिखा रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं आने वाले समय में वो रासायनिक खेती का प्रयोग न करते हुए कहीं ऐसा जहर प्रोडक्ट तैयार करे और आने वाले समयों में हमारी संतानों को उसका परिणाम भुगतना पड़े। इस उद्देश्य को लेकर हम सोच रहे हैं कि भाई हमारी संतान ताकतवर हो, इस उद्देश्य को लेकर हम किसानों को समझा रहे हैं कि आप कुछ रासायनिक खेती का प्रयोग न करें और जैविक खेती की ओर ध्यान दें। हमें बस डर इस बात का है कि कहीं चाइना ऐसा प्रोडक्ट न ला दे कि आने वाले समय में हमारे संतानें जबकि तक पैदा हो, यह न हो करके हम किसानों में जन जागरण कर रहे हैं कि भाई जैविक खेती का ज़्यादा प्रयोग करें। आज हम देख रहे हैं कि हमारा विदर्भ का किसान आत्महत्या कर रहा है, मर रहा है, उसको कैसे रोकेंगे? तो भाई जैविक खेती जो खेती करेगा, कम बजट में अपने गौवंश से ही अपने खेती का प्रयोग करना चाहिए। इस उद्देश्य से लेकर पूरे विदर्भ में दो जगह से यात्रा निकली है, एक अपना अहेरी, दूसरा सिद्धखेड़ राजा। ये दो जगह से पूरा निकलते हुए विदर्भ का पूरे गांव तक जाकर हम किसानों से जन जागरण करा रहे, संबंध ग्रहण करा रहे और उसको समझा रहे हैं कि अपनी खेती को कम बजट में जैविक खेती में देवी जी। जैसी शेतकरी जागर यात्रा को आपने 16 जनवरी को शुरुआत की थी, तो 16 जनवरी से लेकर आज तक की आपने कितना समय तय किया? 16 तारीख से हमारी जो अहेरी से यात्रा निकली, गढ़चिरौली जिला, छतरपुर जिला, दारा जिला, गोंदिया जिला, रामटेक होते हुए आज सावनेर पहुंची है और ये यहाँ से 26 तारीख तक वर्धा पहुंचेगी, जिसमें जो दूसरी यात्रा जो सिद्धखेड़ राजा से निकली है वो भी यात्रा 26 को निकलेगी। दोनों यात्रा का संगम होगा और वहाँ पर ही समारोह होगा।